इकोनॉमिक्स पढ़ते हो और न्यूमेरिकल से डरते हो, आइए इस डर को दूर भगाते हैं। गाइज, आपके सिलेबस में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और सेविंग फंक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, जिससे बच्चे डरते हैं और एग्जाम में बहुत सारे बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं। आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि चुटकियों में इनको कैसे सॉल्व करते हैं और न्यूमेरिकल से कैसे हम आगे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स को हम डराकर भगा देते हैं। मेरे साथ साथ आप देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड सेविंग फंक्शंस के ऊपर न्यूमेरिकल हम कैसे करते हैं। तो फटाफट से आप मेरे साथ स्क्रीन पर देखेंगे, मैं आप लोगों को यहां पर सबसे पहले बताऊंगा कि मल्टीप्लायर का जो फंडा होता है आप लोग जानते ही हैं, मल्टीप्लायर की डेफिनेशन भी क्या होती है। मल्टीप्लायर कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जैसा कि बच्चों आप लोग यहां पर देख भी रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने पर इनकम में क्या चेंज होता है, साथ में ही कभी कभार हमें न्यूमेरिकल करने के लिए दो और फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है जो कि मल्टीप्लायर के ही है, जो आपके सामने ही है। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को मल्टीप्लायर के ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल कराता हूं, ताकि आपको पता लगे कि सर ये कितने आसान न्यूमेरिकल है। तो आ जाइए आप लोग मेरे साथ न्यूमेरिकल करिए। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बिल्कुल बेसिक सा न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा और उस न्यूमेरिकल को करके आपको जरूर कॉन्फिडेंस आएगा कि कितने आसान न्यूमेरिकल हैं और हम इसको क्यों नहीं करते हैं। तो आज के बाद बच्चों आप पूरे के पूरे न्यूमेरिकल कर दीजिएगा, आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आप देखिए वो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, मैं आपके साथ साथ पढ़ूंगा। कहता है सपोज एमपीसी इज 0.8, हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जहां पर आप देखोगे मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट करा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कहते हैं सपोज एमपीसी 0.8, हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 2000 करोड़ कैलकुलेट। इतना पढ़ते ही बच्चे घबरा जाते हैं कि साहब ये क्या है। तो देखिए डरना बिल्कुल नहीं है, आपको सबसे पहले पता लगाना है इसमें एमपीसी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, जो कि हमने नीचे ऑलरेडी यहां पर लिखी हुई है। आपको अपने एग्जाम में जो जो आपको यहां पर गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको कॉपी करना है। जैसा कि आप देखेंगे मैंने यहां पर लिख रखा है, गिवन है मुझे नेशनल इनकम 2000, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों आप देखेंगे आपको वो कह रहा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का उसने आपको अमाउंट नहीं बताया है, तो आपको वो अमाउंट यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा कर रखना है और एमपीसी की वैल्यू है 0.8। तो बच्चों हमें ये बात समझ में आ जाती है कि यार डेल्टा वाई भी है, डेल्टा आई भी है और एमपीसी भी है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि वो हमसे मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं। तो फटाफट से हम लोग यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, आप मेरे साथ साथ देखेंगे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले यहां पर लिख देंगे वी नो दैट, जैसा कि आप देख रहे हैं हमें एमपीसी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बच्चों कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे के इज इक्वल टू 1/1 - एमपीसी। सर हमने इसी फॉर्मूले का यूज क्यों किया है, क्योंकि बच्चों हमें क्वेश्चन में एमपीसी की वैल्यू दी हुई है और अगर हमें एमपीसी की वैल्यू दी हुई है तो हम एमपीसी की वैल्यू को यूज करके के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/1 - एमपीसी और एमपीसी की वैल्यू आपको दी हुई है 0.8, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 5। इसके फटाफट से बाद आप देखिए उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा हुआ है चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो बच्चों एक फॉर्मूला मैंने आपको ये भी सिखाया है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। और क्या आप जानते हो डेल्टा आई का मतलब क्या है? हाँ सर, डेल्टा आई का मतलब होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो फटाफट से बच्चों आप निकाल दीजिए यहां पर चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो बच्चों चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आप सबसे पहले बताइए आपको चेंज इन इनकम कितना दिया हुआ है। चेंज इन इनकम आपको दिया हुआ है 2000 और मल्टीप्लायर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आई हुई है, दैट इज 5। तो 2000 / 5 और आपके पास बच्चों जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 400। इस आंसर को आप नीचे जरूर लिख दीजिए यहां पर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट बच्चों हम लोगों ने कितना निकाल दिया है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने यहां पर निकाल दिया है 400। तो सर ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा बच्चों? ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, बताइए इसमें कोई डिफिकल्टी है? ऐसे क्वेश्चनों को दिवाली धमाका कहते हैं या दिवाली बोनस क्वेश्चन है। आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और बच्चों इसको छुट्टियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे देखने के लिए आप विजिट कीजिए www.learningandsolution.com, जहां पर आपको आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड सारे ही वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए एक मार्क बूस्टर सेशन रहेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डू विजिट गाइज़।